सो गाइस फाइनली यहाँ पर IQ ने IQ 10 सीरीज की लॉन्चिंग डेट को कंफर्म कर दिया है। ये सीरीज चाइना मार्केट के अंदर 19 जुलाई को ऑफिशियल लॉन्च होने जा रही है। इस सीरीज के अंदर आपको तकड़े स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे IQ 10 एंड IQ 10 Pro 5G स्मार्टफोन के अंदर, और IQ 10 Pro 5G स्मार्टफोन की एक प्रमो वीडियो भी लॉन्च की गई है। सो गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे IQ 10 Pro 5G स्मार्टफोन की कन्फर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और ये स्मार्टफोन सीरीज कब तक लॉन्च की जाएगी इंडियन मार्केट के अंदर। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो। सो गाइस शुरुआत करेंगे वीडियो की सबसे पहले फोन की बिल्ड क्वालिटी से। तो बिल्ड क्वालिटी में आपको फुल्ली ग्लास बिल्ड देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, बैक में आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगा और मिडिल का जो फ्रेम मिलने वाला है वो एल्युमिनियम का मिलने वाला है। तो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी मिलने वाली, बिल्ड क्वालिटी से आपको शिकायत नहीं आएगी। सो गाइस अब बात करें डिजाइन की, तो डिजाइन आप वीडियो में देख लीजिए, इसी प्रकार के डिजाइन के साथ आएगा, डिजाइन से भी आपको ज्यादा शिकायत नहीं मिलने वाली। सो गाइस बात फोन की थिकनेस की, तो 9.4 mm की थिकनेस के साथ आएगा एंड 216 ग्राम इसका वेट होने वाला है। सो गाइस अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको 6.78 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 2K रेजोल्यूशन के साथ कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी प्रो स्मार्टफोन के अंदर। 10-bit कलर डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, वो भी LTPO AMOLED डिस्प्ले। तो डिस्प्ले काफी बढ़िया मिलने वाली है 120Hz के स्मूथ हाई रिफ्रेश रेट के साथ। तो यहाँ पर आपको शिकायत नहीं आने वाली डिस्प्ले में। HDR10+ की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, Wide 1 L1 की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। व्यू एंगल काफी बढ़िया मिलने वाले हैं, ऑनलाइन कंटेंट वॉच करने, गेम खेलने, वीडियो एडिटिंग करने के मामले आपको इस डिस्प्ले से बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली। 395 ppi के पिक्सल डेंसिटी मिल जाएगी, ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी काफी बढ़िया मिलेगी। सो गाइस जब बात करते हैं फोन में परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में आपको क्वालकॉम की तरफ से एक पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट देखने को मिलेगी। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 वाली चिपसेट जो कि 4 nm फैब्रिकेशन पर बनी हुई है, एक पावरफुल चिपसेट है। गेमिंग आप अच्छी कर पाएंगे, यहाँ से आपको शिकायत नहीं आएगी। CPU परफॉर्मेंस भी आपको पावरफुल मिलेगी, 64-bit वाली ऑक्टा कोर एंड 3.2 GHz की पीक क्लॉक स्पीड के साथ। अगर हीटिंग इशू होगा तो यहाँ पर आपको वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम देखने को मिलने वाला है हीटिंग इशू से बचाने के लिए। गेमिंग को संभालने के लिए एडिनो 730 का GPU मिलेगा, काफी फास्ट स्मूथ रेंडरिंग के साथ आएगा। तो ग्राफिक्स के मामले में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली, गेमिंग आप अच्छी कर पाएंगे। सो गाइस अब बात करते हैं फोन में मेन कैमरे की, तो यहाँ पर आपको गिम्बल स्टेबलाइजेशन की सपोर्ट देखने को मिलेगी। बैक में आपको 3-3 कैमरे देखने को मिलेंगे। 50 MP का मेन कैमरा होगा विद OIS की सपोर्ट देखने को मिलेगी एंड सेकंड जो कैमरा देखने को मिलेगा वो भी 50 MP का मिलेगा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। एंड जो थर्ड कैमरा देखने को मिलेगा वो 15 MP का देखने को मिलने वाला है गिम्बल स्टेबलाइजेशन की सपोर्ट के साथ। ओवरऑल कैमरा सेटअप काफी बढ़िया मिलने वाला है। वीवो V1 की ISP देखने को मिलेगी इस स्मार्टफोन के अंदर, तो कैमरा सेटअप काफी बढ़िया मिलने वाला है। और यहाँ पर आप 4K रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps 60fps पर, और यहाँ पर आप 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps 60fps और 120fps पर। बात करेंगे इसके सेल्फी कैमरे की, तो पंच होल के साथ आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप 1080p पर 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा काफी बढ़िया मिलने वाला है, यहाँ से आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगी। सो गाइस अब बात करते हैं फोन में बैटरी डिपार्टमेंट की, तो 4550mAh की बैटरी प्लस 200W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एंड USB Type-C पोर्ट मिल जाएगा आपको चार्जिंग के लिए। बात करेंगे फोन में सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में आपको एक एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर। एक टाइम पे आप 2 फिंगरों को स्कैन कर पाएंगे बहुत ही इजी तौर पर, और यहाँ पर आपको फेस अनलॉक देखने को मिलेगा सिक्योरिटी के तौर पर। तो सिक्योरिटी के मामले आपको कमी नहीं मिलने वाली। आउट ऑफ बॉक्स आपको एंड्रॉइड वर्जन 12 और ओरिजिन OS का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। इस फोन के अंदर आपको X-axis मोटर हैप्टिक्स देखने को मिलने वाली है। डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाएंगे हाई रेजिस्टेंट ऑडियो सर्टिफिकेशन के साथ। अगर बात करें रैम टाइप की, तो LPDDR5 वर्जन वाला रैम और UFS 3.1 वर्जन वाला स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगी। NFC सपोर्टेड होगा, Wi-Fi 6E मिल जाएगा वो भी डुअल बैंड, Bluetooth 5.3 वर्जन देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन 3 वेरियंट में देखने को मिल सकता है, 8GB 128GB 8GB 256GB एंड 12GB 512GB। इस फोन के अंदर आपको डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलने वाला, और ना ही इस फोन के अंदर आपको 3.5 mm जैक देखने को मिलेगा। 5G के बैंड जो मिलने वाले हैं वो आपको 12 से 13 बैंड देखने को मिलेंगे। सो गाइस अब बात करते हैं फोन के प्राइसिंग की, तो अभी तक एक्सपेक्टेड है, कंफर्म कुछ भी नहीं है प्राइसिंग के बारे में। प्राइस की बात करें तो IQ 10 Pro स्मार्टफोन के एक्सपेक्टेड प्राइस देखने को मिलेंगे अबोव 55,000। सो गाइस अब बात करते हैं फोन के लॉन्चिंग डेट की, इंडिया में ये कब तक देखने को मिलेगी IQ 10 सीरीज। तो चाइना मार्केट के अंदर 19 जुलाई को ऑफिशियल लॉन्च की जाएगी, उसके एक महीने बाद यानी कि अगस्त के एंड में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में ऑफिशियल लॉन्च की जाएगी IQ 10 सीरीज। सो गाइस ये
थे IQ 10 Pro 5G स्मार्टफोन के कन्फर्म स्पेसिफिकेशन। आज के इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो सर, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।